नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप मंडी की देख रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में प्याज की आपूर्ति हो रही है। प्याज के अलग अलग रेट सोलन सब्जी मंडी में देखने को मिल रहे, 16 रुपये प्रति किलो भी है। और नासिक का प्याज का रेट जरूर तेज़ है, 20 रुपये से लेकर 22 रुपये के बीच में नासिक के प्याज के रेट बने हुए हैं। और लंबे समय से इसी तरह का भाव सोलन सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है। देश भर की मंडियों में यही स्थिति बनी हुई है। नासिक से जो प्याज की आपूर्ति हो रही है वो उसमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। रेट में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को इस बार नहीं मिला है और पूरा सीजन हो गया है, लेकिन प्याज के रेट 20 रुपये से नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि हम विशेषकर नासिक के प्याज की बात करें, यदि पंजाब हरियाणा या फिर अन्य राज्यों से प्याज की आपूर्ति हो रही है तो ज़रूर वो तो बीच में सस्ता भी आ रहा है। 14-15 रुपये तक भी पंजाब का प्याज मंडी में बिका है अभी ही, और आज भी कुछ एक जगहों पर जो पंजाब से प्याज पहुँचे 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन नासिक का प्याज जिसकी सबसे अधिक डिमांड पूरे देश भर की मंडियों में बाजारों में रहती है, कारण है कि एक क्वालिटी है और ज़्यादा लंबे समय तक भी वह प्याज टिकता है, वो प्याज अभी भी 20 से 22 रुपए के बीच में मंडियों में बिक रहा है। बाजार में तो 30 से 35 रुपए, कई जगहों पर तो 40 रुपए भी रेट चला हुआ है। हालांकि पिछले दिनों सोलन की ही बात करें तो डीसी के आदेश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरकत में आया और मनमाने दाम वसूल रहे सब्जी विक्रेताओं की 1 क्विंटल से अधिक सब्जियों को और 1 क्विंटल से अधिक फलों को जब्त किया, चालान भी काटे। लेकिन एक दिन की कार्रवाई थी, उसके बाद फिर विभाग की ओर से अभी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को जरूर राहत मिली है। रेट में अब बाजार के रेट और सब्जी मंडियों के रेट में जो बहुत बड़ा परिवर्तन चला हुआ था, बहुत बड़ा अंतर था, और उस पर एक दिन के लिए लगाम जरूर लगी, लेकिन वो कार्रवाई एक दिन के लिए हुई थी। सोलन सब्जी मंडी में प्याज किस भाव बिक रहा है इस पर जानकारी देने के लिए बंटी जी मरता था। नमस्कार जी बंटी जी, तो प्याज बहू जी 20 से लेके 22 रुपए किलो। नासिक दोनों, राजस्थान खत्म है इस टाइम, और पंजाब भी खत्म है। वैसे 16 रुपये बिक रहा है पंजाब। हाँ जी, आलू बहू जी 950 रुपये कट्टा, 19 रुपये किलो हो गया आलू अपना। उन्ना का पंजाब का नहीं आ रहा है, जो किसी के पास है तो 13-14 रुपये किलो बिक रहा है पक्का छिलके वाला। अच्छा। हाँ जी, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आलू में तेजी हो सकती है। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि पहाड़ी आलू चला पड़ेगा। हाँ जी, और आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। हरे मटर के रेट अगर देखें तो 50 से 60 रुपए के बीच में रेट अभी यहाँ पर खुला नहीं, क्योंकि सुबह सुबह अभी आपूर्ति मटर की चली हुई है, यही वजह है कि रेट अभी मटर के खुले नहीं है। लेकिन 50 से 60 रुपए के बीच में ही मटर का रेट रहेगा। बीन के रेट भी नहीं खुले हैं, क्योंकि कई बार बोलियाँ लगती हैं तो एक दूसरे को देखते रहते हैं व्यापारी की, यदि की कौन सबसे पहले रेट खोलेगा। लेकिन यदि बीन की बात करें तो बीन भी 60 रुपए के आसपास ही आज सोलन सब्जी मंडी में बिकेगी। और पप्पू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन डांगरा जी जुड़े हैं, जय माता दी पवन डांगरा जी, जगदीश राजपूत जी, दिनेश शर्मा जी, अमर सिंह ठाकुर जी, श्याम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोलन सब्जी मंडी में किस तरह के रेट चले हैं उसकी हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं सब्जियों की। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं, और आप लोगों का यही प्रोत्साहन हमें प्रोत्साहित करता है। मंडी दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और फूलगोभी का रेट आज है जगदीश जी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में फूलगोभी बिकी है। प्याज की बात करें तो नासिक का प्याज अभी भी मंडी में 20 से 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पंजाब का प्याज है जरूर 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन 20 से 22 रुपए प्रति किलो प्याज नासिक का मंडी में बिक रहा है। लेकिन डिमांड प्याज की नासिक की है और ज़्यादातर लोग नासिक का प्याज ही खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में भी नासिक के प्याज की डिमांड रहती है। एक तो ज़्यादा दिन
मशीन यह टिकता है, और दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिटी भी और अन्य राज्यों की तुलना में जो प्याज मंडियों में आ रहा है उससे ज़्यादा बेहतर है। और 20 से 22 रुपए के बीच में आलू की बात करें तो आलू मंडी में आज 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। कई दिनों से आलू की इसी तरह के भाव चले हुए हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आलू के रेट में देखने को सोलन सब्जी मंडी में नहीं मिला है। तो सोलन सब्जी मंडी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास प्याज और आलू के रेट पहुंच सके। संदीप वर्मा जी देख से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सिकंदर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और रंजीत सिरमौरी जी, कुलदीप मेहता जी, हुमा शिट्टी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, विनोद शर्मा जी और राजवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। टमाटर के भाव में आज गिरावट देखने को मिली है क्योंकि टमाटर की आज डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, और यही वजह है कि टमाटर 300 से 350 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। और केला मंडी में बिक रहा है, केला क्या रेट होगा, केला क्या रेट होगा, 400 रुपए सैकड़ा केला सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। पंजाब टीवी में आज आप जुड़े हैं तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। सोलन सब्जी मंडी से आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि मंडी में किस तरह की ये सब रौनक है। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से ही प्रार्थना। धन्यवाद जी। स्काई जी हमारे साथ जुड़े हैं।